अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको हिरनी का वाक्या सुना रही हूँ। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी, उसके दो बच्चे थे। एक बार वो बाहर निकली तो किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। बेखबर हिरनी उस जाल में फंस गई। जब उसने देखा कि मैं तो फंस गई हूँ, तो बड़ी परेशान हुई। उसकी खुशकिस्मती देखिए कि उसी जंगल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हुए उसे नज़र आए। जब उसने देखा हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकारी, या रसूलल्लाह, मुझ पर रहम फरमाइए। हुजूर ने उसकी पुकार सुनी और उसके पास तशरीफ लाकर कहा, क्या हाजत है? वो बोली, हुजूर, मैं इस शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। मेरे दो बच्चे हैं जो इस करीब के पहाड़ों में हैं। थोड़ी देर के लिए आप मुझे यहाँ से आज़ाद करा दीजिए, ताकि मैं आखिरी बार एक मर्तबा अपने बच्चों को दूध पिला आऊँ। हुजूर, मैं दूध पिलाकर फिर यहीं वापस आ जाऊँगी। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जा, मैं तुम्हारी जमानत देता हूँ और तुम्हारी जगह यहीं ठहरता हूँ तू बच्चों को दूध पिलाकर फिर जल्दी वापस आ जा। चुनांचे हिरनी को आपने रिहा कर दिया और वहाँ खुद कयाम फरमा हो गए। अरबी यानी शिकारी, जो मुसलमान न था, कहने लगा, अगर मेरा शिकार वापस ना आया तो अच्छा ना होगा। हुजूर ने फरमाया, तुम देखो तो सही कि हिरनी वापस आती है या नहीं। चुनांचे हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर फिर वापस आई और आते ही हुजूर के कदमों पर सर डाल दिया। ये एजाज देखकर वो अरबी भी कदमों पर गिर गया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों तक के लिए रहमत हैं। इससे सबक हमें ये मिलता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों तक के लिए रहमत हैं। जानवर भी हुजूर के हुक्मों की तामील करते हैं। फिर जो इंसान होकर हुजूर का हुक्म ना माने, वो जानवरों से भी गया गुजरा है।